किसी फैशन परेड या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही हो क्या? नहीं। अच्छा अच्छा तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रही हो गुब्बारा बन के। कंसोलेशन प्राइस तो पक्का है। क्या हुआ? क्यों छेड़ता रहता उसे? ये आप जानते नहीं, जब तक कि मुझे छेड़ नहीं लेती ना, इनका खाना हजम नहीं होता। सो फनी है ना। कर रही हो? तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी गिर रहा है। Oh my God, हेयर फॉल के साथ साथ मेमोरी लॉस भी। हेलो, मेरे कोई बाल-बाल नहीं गिर रहे, ओके? और तुम्हारा क्या मतलब है इससे? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझे कहा था ठीक के टाइम पर तैयार रहना, हमें मैच के लिए जाना है, जिस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी देने वाली हूँ। हो गए मिस्टर बिजनेसमैन, बिजी बिजनेसमैन। बाय द वे, ये वही क्रिकेट मैच है जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है। हो गए, मुझे सब पता है, ज्यादा वो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम मुझे ताने क्यों मार रहे? क्योंकि मजा आता है। आज कोई मैच वैच नहीं है, इसलिए जाओ और अपना ये फैंसी ड्रेस उतार दो। क्यों? हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे वहाँ जाना है। What is this, Raghav? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे कहा था कि हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। मैं कितनी खुश थी, तुमने पता आज तक अभी लाइव मैच नहीं देखी। और अभी तो वीआईपी सीट्स मिलने वाली थी ना, कितने शौक से मुझे जाने का मन था। लेकिन तुम्हें तो हमेशा काम 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 काम। ठीक ही तो कह रही है बेचारी, अब उसका मैच देखने का मन है तो ले जाना, और वैसे भी मीटिंग में थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। रहने देती, झूठे वादे तो कोई इनसे करना सीखे। पूरी दुनिया में कहते फिरते मुझे मेरी बीवी की बहुत फिक्र है, छोटों की बहुत फिक्र है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं। इन्हें बस अपने काम से मतलब है, बीवी बीवी गई तेल लेने। देखो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया जिसे मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम जाओ ना मैच देखने, गो एंजॉय। ओ रियली? अकेली जाऊंगी मैं? मैंने सोचा था हम दोनों साथ में जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। अकेले कहाँ, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली दो लोग मंगवाए जिनके साथ तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। किसके साथ जाऊंगी मैं? कम इन। Yes, sir. ये कौन है? ये है तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, तुम इनके साथ जाओगे। पर कुछ नहीं है ना, आज से तुम जहां जाओगे ये बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें और छोटू को बिना प्रोटेक्शन के जाने दूंगा? लेकिन आपको कैसे पता कि? तुम्हें क्या लगा? राघव को हमारे घर से कॉल आना कोई संजोग था? नहीं सुधा। लगता है तुम अभी तक मुझे ठीक से नहीं समझे। Well, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन हरजीत जी, एक प्रॉब्लम है। नैना अकेली नहीं गई है, उसके साथ दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स गए। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, इतना बड़ा स्टेडियम है, इतने सारे लोग, फिर वो बॉडीगार्ड्स, हम कैसे पहुंचेंगे उस तक? ऐसा तो नहीं कि हम सपने ही देखते रह जाएंगे और वो फिर से बच के निकल जाएगी? शायद तुम्हें नहीं पता सुधा, सपने देखने और तपस्या करने में क्या अंतर होता है। सपने पूरे होने की संभावना हो या ना हो, लेकिन तपस्या का फल अवश्य मिलता है। और नैना की मौत के लिए जो तपस्या मैंने करी, उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। नैना उस स्टेडियम से जीवित जीवित लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ जो गुडलक चल रहा था ना, वो बहुत देर तक उसका साथ नहीं देगा। ऐसा ही हो। Thank you.
हेलो मैम, आई एम साहिल रिसेप्शन कमेटी से, और ये मेरे कॉलीग सुमित। वेलकम मैम। थैंक यू। वो आई थिंक मैच शुरू हो गई है ना, तो हम यहाँ क्यों? स्टेडियम तो उस तरफ है ना मैम। यहाँ से हमारी सिर्फ वीआईपी गेस्ट की एंट्री है, उधर काफी भीड़ है तो आपको तकलीफ होगी। थैंक यू। और ये हमारा ब्लू टीम ने छक्का। आई एम रियली सॉरी, पर क्या हम मेरे स्टैंड पे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम, आपके लिए वीआईपी बॉक्स रिजर्व्ड है, लेकिन हमारे चेयरमैन मिस्टर सिन्हा आपको पर्सनल स्टैंड पे स्कॉर्ट करना चाहते हैं। मैम, जब तक मिस्टर सिन्हा पहुंच रहे हैं तब तक आप ग्रीन रूम में वेट कर सकती हैं। जी। एक मिनट मैम, मुझे पूरे एरिया की चेकिंग करने दीजिए, बाद में आप अंदर जाइए। सॉरी, वो मेरे हस्बैंड ने कहा है, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम मैम, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, आइए। लोग इसकी बॉडी को ठिकाने लगाओ फटाफट, मैं लड़की को देखता हूँ, ठीक है? ओह यस सर, मिसेस मेहरा यहीं आपका वेट कर रही हैं। मिस्टर सिन्हा का फोन था? जी हाँ, वो यहीं आ रहे हैं। अच्छा। और ये हमारा ब्लू टीम ने सिक्सा। हाउ एक्साइटिंग। सॉरी, शागर भी यहाँ होता, कितना मजा आता। उसे मैसेज करती हूँ। ये बेल्ट बनाया है खास आपके लिए, पहनना तो पड़ेगा ना आपको। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं पहले इसके हाथ बांधते हैं। पागल हो गए हो तुम दोनों, मुझे मारने के लिए इस पूरी जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दोगे? कितने मासूम लोगों की मौत हो जाएगी, ये बहुत बड़ा पाप है, प्लीज ऐसा मत होने दो। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें ये सब के बाद जाने देगी? पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल में फेंक देगी, तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे, कभी नहीं बच पाओगे। और तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे मारने के लिए, वो तुम्हें बचाने आएंगे? वो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे? वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। चुप कर, ज्यादा बड़बड़ आएगी ना तो तेरी, इसके हाथ बांध, और ज्यादा बड़बड़ करेगा ना तो इसका मुंह भी बंद कर। Oh!
मेरे हाथ में रिमोट है, अगर मैं बटन दबा दूंगी ना तो तुम सब बाहर ही जाओगे मेरे साथ। पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। साहिल, साहिल पीछे हटो, बैठो यहाँ पे, चलना मत यहाँ से। पकड़ इसको। ये रिमोट मुझे दे दो, रिमोट दे दो मुझे। देती हो क्या नहीं रिमोट? तड़पाओ और तड़पाओ इस औरत को, तड़पाते रहो इसको। मैंने कहा ना, लाइव मैच देखने का मजा ही कुछ और है। अब अगर आपका दिल भर गया हो तो अपना काम पूरा करें, और आज भगवान हमें इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं तो क्यों ना वक्त रहते हम इसका शुभ आरंभ करें। मार दो से। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है कि मेरी बीवी पर इतने हमले हुए। यू अंडरस्टैंड, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो गायकवाड़ स्टेडियम पहुंची ही नहीं है तो वहां से उसका मैसेज कैसे आया मुझे? तो कहाँ गई वो? मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। प्लीज आप मेरी बात को सीरियसली लीजिए। व्हाट डू यू मीन कि आप 24 घंटे तक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? देखिए, किसी को भेजिए नैना को ढूंढने, अभी इसी वक्त। अबे लड़की कहाँ गई? मुझे मार के भाग गई। अरे तूने फिर से उसे भागने दे दिया? अबे मैडम का फोन आया था, उन्होंने बोला कि लड़की को जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। अबे चल जल्दी ढूंढ उसे, और हमें बॉम्ब को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलना भी है। चल 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 जल्दी चल, उसे ढूंढते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।